हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज का टॉपिक है आपके फर्टिलाइजेशन, जिसे आप बोलते हैं निषेचन हिंदी में। आज मैं आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी। चूंकि हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों के गैमेट बनने की प्रोसेस, जिसको आप गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, उसको पढ़ चुके हैं। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। मतलब हम लाइन वाइज चल रहे हैं और मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, उस तरीके से मैं आपको इसके लेक्चर्स दे रही हूँ, ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फर्टिलाइजेशन, जिसे आप बोलते हैं निषेचन, और जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है, ठीक है। किसके बनने की? जायगॉट के बनने की। जायगॉट एक न्यू सेल है जिससे आपके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और यहाँ से आपके क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी हर बारी पूछा जाता है। पीजीटी क्या, पीवाईक्यू लगाओ, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। टीजीटी में भी मिलेगा आपको कभी ना कभी ये क्वेश्चन, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब लोकेशन है, किस लोकेशन पर होता है फर्टिलाइजेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोगों को क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड वीडियो को शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन पे पहुंचने से पहले मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था ओजेनेसिस, जो कि काफ़ी सारे बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा, हार्ड लगा। ऑब्वियसली हार्ड है, बट कुछ भी हार्ड नहीं होता जब हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं, क्योंकि ये जो चीज़ है थोड़ा सा हटके है। हटके इन द सेंस, मतलब हार्ड देखो कुछ भी नहीं है, बस हमें समझ में आ जाना चाहिए। जिस दिन हमें ये चीज़ समझ में आ गई, हमारे लिए सब कुछ ईजी हो जाता है, ठीक है। कभी तो हमें ये भी हार्ड लगता था बहुत ज़्यादा, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने में हार्ड लगता था, लेकिन आज आपको नहीं लगता होगा, आज आपको ईजी लगता होगा। तो थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा समझना है। देखो, जिस तरीके से आप एक बार बताओ, आपकी जो ह्यूमन स्पैन, लाइफ स्पैन, डेवलपमेंट स्टेजेस है, जैसे आज मैं क्या हूँ, आज मैं कौन सी स्टेज में हूँ, आज मैं अडल्ट स्टेज में हूँ ना, क्या मैं इन्फेंट हूँ, क्या मैं खुद को अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में डालूंगी, क्या मैं खुद को एडोलेसेंस बोलने वाली हूँ, आप क्या, मैं क्या हूँ इस समय, अडल्ट हूँ ना। तो जैसे, मतलब मेरे कहने का है सुनिए, जैसे लाइफ में जो स्टेजेस हैं आपकी, जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, पहले इन्फेंट होता है, इन्फेंट से फिर आप अर्ली चाइल्डहुड में आते हो, फिर आप लेट चाइल्डहुड में आते हो, फिर आप एडोलेसेंस में आते हो, फिर आप अडल्टहुड में आते हो, देन आप ओल्ड एज में जाते हो। ऐसे ही डेवलपमेंट आपके फॉलिकल्स का होता है, ठीक है। तो जैसे आप अपनी लाइफ में अपने डेवलपमेंट के स्टेजेस को अलग अलग नाम देते हो कि भाई ये इन्फेंसी है, ये चाइल्डहुड है, ये एडोलेसेंस है, वैसे ही जब ओवरीज में आपके फॉलिकल डेवलप हो रहे थे, ठीक है, ओवरीज में चेंजेस आपने देखे थे ना, फॉलिकल डेवलप हो रहे थे। फॉलिकल क्या होते हैं? अंडे होते हैं, एग होते हैं, जो कि एक फीमेल मिलियंस लेके पैदा होती है। ये तो हम आपको बता चुके हैं कि भाई फीमेल का जो ये है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, ये तो फीटस स्टेज में ही काम करने लगते हैं जब वो फीटल होती है, ठीक, और वो बहुत सारे फॉलिकल लेके पैदा होती है, लाखों मिलियन फॉलिकल लेके पैदा होती है, लेकिन वो उसके डीजेनरेट हो जाते हैं जब तक वो बेचारी प्यूबर्टी में पहुँचती है। फॉलिकल का डेवलपमेंट को अलग अलग नाम दिया है, जैसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, फिर जब वो प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंचती है तो धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्शरी फॉलिकल बनता है, फिर फाइनली ग्राफियन फॉलिकल बनता है, जो कि रप्चर होता है, और अब फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने आते हैं ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने पर, क्योंकि हर महीने एक ओवरी काम करती है, दूसरे महीने ये ओवरी काम करती है, ऐसे करके फीमेल की 50 साल की उम्र तक उसकी ओवरीज काम करती हैं। कब से? 13-14 की साल की उम्र से लेकर के। हालांकि काम तो उसकी ओवरीज फीटल स्टेज में ही कर चुकी थी, लेकिन वो मेंस्ट्रुअल वाला काम नहीं कर चुकी थी। वो क्या कर चुकी थी? वो ये सेल डिवीजन कर चुकी थी। कहने का मतलब ये है, मैं आपको दो तरीके के चेंजेस समझाऊंगी, दो तरीके के ही चेंजेस मैंने आपको समझाए थे, आप समझ नहीं पाए। एक तो सेल डिवीजन हो रहा है उसकी सेल में, तो सेल डिवीजन को आपको समझना होगा। एक उसका फीमेल का जो सेल है वो डेवलप हो रहा था, तो उसकी डेवलपमेंट स्टेजेस थी, वो आपको समझना होगा। बात समझे कि नहीं समझे? एक तो आपको ये समझना होगा, सबसे पहले इधर देखो मेरी तरफ ध्यान से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर आप अपना दिमाग कहीं और रख के बैठोगे, यहाँ पर आप प्रेजेंट नहीं होगे, आप इस चीज़ को कभी लाइफ में नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इधर देखो, इधर मेरी तरफ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं आपको फिर से ओजेनेसिस समझाने जा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो,
व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ओओजेनेसिस? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओओजेनेसिस की प्रोसेस क्या थी। तो ओवम के बनने की प्रक्रिया जो है वो ओओजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। ये हम बना लेते हैं, मान लीजिए फीमेल की ओवरी, ठीक है। ये क्या है? फीमेल की ओवरी है। फीमेल की ओवरी में ऐसे लाखों क्या होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स पड़े होते हैं। ये क्या पड़े होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स पड़े होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स कैसे बनते हैं? ये प्राइमरी फॉलिकल्स कैसे बने, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। ये कैसे बने? सबसे पहले फीमेल के पास एक स्टेम सेल होता है जिसको ओगोनिया बोलते हैं। ओगोनिया या ओगोनियम, यही तो बोलते हैं। इस सेल को क्या बोलते हैं? ओगोनिया बोलते हैं। ये कैसी सेल है? ये एक स्टेम सेल है। स्टेम सेल मतलब मैंने क्या बताया था, स्टेम सेल क्या होती है? जो अपने जैसे सेल्स को बनाती है, अपने जैसे सेम सेल्स को समसूत्री विभाजन के द्वारा बनाती है। अब देखो इसका डेवलपमेंट, पर इससे हम क्या क्या बनेगा वो भी पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? इस एक सेल से क्या क्या बनेगा हम वो भी पढ़ेंगे। तो ये तो सेल का डेवलपमेंट पढ़ेंगे आप, ठीक है। और इसके अंदर, इसके न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस आएगा? सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, ये तो आप सब जानते हैं, इससे तो अनभिज्ञ नहीं है। हमारा शरीर मिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, हम लोग बिलीनियर हैं सेल्स में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हमारी बॉडी में काम करते हैं, इसलिए हम मल्टी सेलुलर भी हैं, ठीक है ह्यूमंस। सेल जो है, जब मैंने आपको बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ाए थे तभी समझाया था, सेल्स बायो मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की लेयर होती है, फैट होता है, न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। जैसे हमारा, समझ लो हमारा जो जीवन का केंद्र है, चाहे हार्ट को मान लो, चाहे ब्रेन को मान लो, किसी को भी मान लो आप, ठीक है, हालांकि हमारी तो पूरी बॉडी ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सेल के लिए उसमें जीव द्रव्य होता है। जैसे हमारे अंदर ब्लड है, हमारी पूरी बॉडी ब्लड भरा हुआ है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के बिना हमारी बॉडी बेकार है। ऐसी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी मिलके तो सेल से ही बनी है। सेल में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब उसका केंद्रक, ठीक है। तो ये भी सेल है, ये भी सेल है सारी, और इनमें देखो, इस सेल में मैंने बीच में ये बनाए हैं केंद्रक। तो केंद्रक में, न्यूक्लियस में क्या हो रहा है? कुछ चेंजेस हो रहे हैं। सेल डिवीज़न कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है। सेल के क्रोमोसोम्स में चेंजेस आ रहा है, वो उसके न्यूक्लियस में हो रहा है। लेकिन एक सेल के स्ट्रक्चर में चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, वो सेल के स्ट्रक्चर के चेंजेस को आप पढ़ते हैं। जैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, ये आपका शारीरिक, समझ लो, परिवर्तन है। जैसे एक बच्चा, आप इन्फेंट होता है, इन्फेंट से फिर वो अर्ली चाइल्डहुड होता है, फिर वो एडोलेसेंस आता है। आपने कभी इन्फेंट्स पे मेंस्ट्रुअल ब्लड आते हुए देखा है? नहीं ना, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एडोलेसेंट की, उन्हीं में ही मेंस्ट्रुअल ब्लड आएगा फीमेल्स में। तो एडोलेसेंस में आकर के ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है, 12-13 साल की लड़की एडोलेसेंस में ही आ जाती है, ठीक है। तो एक तो आप सेल के स्ट्रक्चर में चेंज देखते हो, सेल का स्ट्रक्चर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्रेफियन फॉलिकल होता है। एक मैंने आपको बताया था प्राइमरी ओसाइट बनेगा, ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट बनेगा, प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, और सेकेंडरी ओसाइट से ओवम बनेगा। ये न्यूक्लियस चेंजेस है। न्यूक्लियस चेंजेस मतलब ये सेल डिवीज़न हो रहा है, सेल जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। वो सेल डिवीज़न में आ जाता है। सेल के स्ट्रक्चर में परिवर्तन अलग है, सेल का डिवीज़न अलग है। बस आपको इतनी चीज़ समझनी है, आपको दोनों चीज़ें मिलानी नहीं है। देखिए, ये जो ओगोनिया है ना, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने तरीके से आपको ये चीज़ समझा पाऊँ, इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। ये जो ओगोनिया था, ये स्टेम सेल था, ये अपने जैसे सेल्स बनाता है, बहुत सारे सेल्स इसने बना लिए, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइमरी ओसाइट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। ये मान लो एक सेल है, ये प्राइमरी ओसाइट है, ये भी 2N सेल है, ये भी 2N सेल है। देखो, ओगोनिया है, मान लो मैं ओगोनिया हूँ, ठीक है, मैं ओगोनिया हूँ, और अगर मैं ही प्राइमरी ओसाइट बन गई, मुझसे सेकेंडरी ओसाइट बन जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट से क्या बन जाएगा? ओवम बन जाएगा। तो दोबारा पीछे कौन बनाएगा? दोबारा पीछे प्राइमरी ओसाइट कौन बनाएगा? अगर मैं ही ओसाइट बन के निकल ली, तो दोबारा ओसाइट कौन बनाएगा? तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने जैसी तीन और सेल्स बनाती हूँ समसूत्री विभाजन करके, ठीक है, मेरे जैसी और सेल्स बन गई। अब उसको मैं ओगोनिया ना बोल के प्राइमरी ओसाइट बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? प्राइमरी ओसाइट, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट कॉपी है, ठीक है, वो क्या है? मेरी फर्स्ट कॉपी है। मैं ओगोनिया हूँ, मैंने अपनी जैसी बहुत सारी सेल्स बना दी और उनको नाम दिया प्राइमरी ओसाइट। मेरे पास 46 क्रोमोसोम्स थे, क्योंकि वो मेरी सेम डुप्लीकेट हैं, मेरी सेम फर्स्ट कॉपी हैं, मेरा नॉक ऑफ है, तो वो भी क्या है?
46 क्रोमोसोम लेकर के, वो भी 2n सेल हैं, वो भी 2n सेल हैं। ये ऐसा कैसे हुआ उगोनिया से प्राइमरी ऊसाइट, मेरे से मेरे जैसी सेल्स कैसे बनी समसूत्री विभाजन होके, समसूत्री मतलब माइटोसिस हुआ, ठीक है, मेरे सेल में समान विभाजन हुआ, माइटोसिस हुआ और मेरे जैसी सेम सेल्स बन गई, मेरी जैसी सेम डुप्लीकेट कॉपीज बन गई, माइटोसिस हुआ यहाँ पे, समसूत्री विभाजन हुआ, तभी तो ये 2n सेल का 2n सेल आया। लेकिन हमें पता है कि जो फीमेल का उगोनिया है और मेल का जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो स्पर्म बनाएगा और फीमेल में जो ओवम बनाएगा, भगवान ने इन दो सेल को आपके हैप्लॉइड सेल बनाया है, इसमें एक अलग विभाजन और दिया है क्रोमोसोम्स की संख्या आधी आधी करने के लिए, क्योंकि हमको आधे क्रोमोसोम हमारे पापा से मिलते हैं, आधे क्रोमोसोम हमें हमारी मम्मी से ही मिलने चाहिए, यही नेचर है। इसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ, या स्पेशल टाइप ऑफ नहीं कहेंगे, एक अलग डिवीज़न और होता है किसमें, इस प्राइमरी ऊसाइट में, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस, मियोसिस, ठीक है, ये है मियोसिस। देखो सेल साइकिल इज़ अ वेरी लार्ज चैप्टर, इज़ अ वेरी लार्ज चैप्टर सेल साइकिल, सेल डिवीज़न। मैं अभी आपको सेल डिवीज़न नहीं समझा रही हूँ, सेल डिवीज़न को मैं फिर कभी पढ़ा दूंगी, अभी थोड़ा सा समझो सेल डिवीज़न कैसे होता है। सेल डिवीज़न दो प्रकार का होता है, कोशिका में विभाजन, एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की सेल्स बनती हैं, समझ में आ रहा है, ये समसूत्री विभाजन हुआ, ये 2n सेल था, ये भी 2n सेल था, लेकिन अर्धसूत्री नाम ही है, सूत्रों को आधा आधा कर देना, सूत्र मतलब गुणसूत्रों को आधा आधा कर देना, अर्धसूत्री विभाजन। और ये केवल और केवल फीमेल के ओवम में और मेल के स्पर्म में ही ये होता है, क्योंकि वो गैमेट सेल हैं, जनन कोशिकाएं हैं, और अर्धसूत्र विभाजन जनन कोशिकाओं में ही होता है। ठीक, बढ़िया। अर्धसूत्र विभाजन दो फेज में होता है, दो फेज में, एक पहली फेज होती है जिसको बोलते हैं मियोसिस वन, दूसरी फेज होती है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस टू। पहली बात तो अर्धसूत्र विभाजन दो बार होता है, अर्धसूत्र विभाजन दो बार होता है, अर्धसूत्र विभाजन दो फेजेस में होता है, दो बार होता है, ठीक है, दो बार मतलब दो फेजेस में होता है। ठीक, इसकी भी चार स्टेज हैं, इसकी भी चार स्टेज हैं, इसकी भी चार स्टेज हैं, ठीक है। अब ये प्राइमरी ऊसाइट जो हैं, ये प्राइमरी ऊसाइट जो हैं, ये अब क्या करेंगे, ये सबसे पहले मियोसिस वन करेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी ऊसाइट है, मतलब ओवम बनाएगा, ओवम बनेगा तो मियोसिस होना कंपलसरी है, हम ये बात जानते हैं, क्योंकि ओवम और स्पर्म हैप्लॉइड सेल हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या आधी आधी करनी है, ठीक है। तो मियोसिस वन होगा सबसे पहले, मियोसिस वन की भी ये चार स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन, ठीक है। और मियोसिस टू की भी ये चार स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू, समझ आ गया। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इनका नाम इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जब फीमेल फीटस होती है और उसका ये जो प्राइमरी ऊसाइट बन चुके हैं, उसकी ओवरीज काम कर रही हैं, प्राइमरी ऊसाइट बना चुकी है, उसकी ओगोनिया ने प्राइमरी ऊसाइट बना दिया और बोल दिया जाओ बनाओ जाके ओवम, ठीक है, प्राइमरी ऊसाइट बढ़ गया आगे ओवम बनाने के लिए, तो जैसे ही प्राइमरी ऊसाइट क्या करने के लिए बढ़ते हैं, मियोसिस करने के लिए बढ़ते हैं, मियोसिस मतलब अर्धसूत्र विभाजन एक करने के लिए बढ़ते हैं, वो तुरंत ही इस पहली स्टेज में प्रोफेज वन में क्या कर लिए जाते हैं, अरेस्ट कर लिए जाते हैं, अरेस्ट कर लिए जाते हैं, अरेस्ट मतलब उन्हें स्टॉप कर दिया जाता है। कौन उन्हें स्टॉप कर देता है, नेचर स्टॉप कर देती है, नेचर कहती है स्टॉप यार, अभी तुम केवल फीटस हो, क्या चाहती हो, अभी रुक जाओ, बहुत लंबी लाइफ है तुम्हारी, अभी फीटस स्टेज में ही तुम क्या कर रही हो, सेकेंडरी ऊसाइट बना के मानोगी, क्यों, क्योंकि उगोनिया से प्राइमरी ऊसाइट बनता है, प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट बन जाएगा और सेकेंडरी ऊसाइट से ओवम बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जैसे ही प्राइमरी ऊसाइट ने आपके मियोसिस में कदम ही रखा, और कदम ही रखा तो उसकी पहली स्टेज पे तो आएगा, मियोसिस वन की पहली स्टेज क्या है, प्रोफेज वन, इसको यहीं पे अरेस्ट कर लिया गया, यहीं पर इसको रोक दिया गया, नेचर ने इसको रोक दिया, भगवान ने इसको रोक दिया, ठीक है।
ये रुक गई तो एक लड़की क्या लेके पैदा हुई, एक लड़की बहुत सारे प्राइमरी ऊसाइट लेकर पैदा हुई। लेकिन अब ये प्राइमरी ऊसाइट तो अंदर है, इसके चारों ओर ना थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया। क्या डेवलपमेंट हो गया, स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये अंदर तो प्राइमरी ऊसाइट है, जो सेल है वो क्या है, प्राइमरी ऊसाइट है, ठीक है, वो सेल जो है वो प्राइमरी ऊसाइट है। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ओवरी में, जो ओवरी में स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है प्राइमरी फॉलिकल। समझ में आया, कैसे समझाऊं। एक इन्फेंट है, ठीक है, एक इन्फेंट है, वो लड़की पैदा हो गई है, आप समझ लो लड़की पैदा हो गई, ठीक है, आपको वो दिखाई दे रही है। लेकिन मतलब अभी उस बच्ची में उसके जो उसके अंदर प्राइमरी ऊसाइट लेके वो पैदा हुई है, अभी ओवम लेके वो पैदा नहीं हुई, उसके ओवम नहीं बने अभी, सेल जो है वो प्राइमरी ऊसाइट है। लेकिन जो हमें सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, सेल का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो प्राइमरी फॉलिकल है। क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है। अभी जो लड़की पैदा हुई है, जो मान लो अभी लड़की मान लो पैदा हुई, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे कि एक अडल्ट गर्ल पैदा हुई है, एक अडोलसेंस गर्ल पैदा हुई है, या एक अर्ली चाइल्डहुड गर्ल पैदा हुई है, या एक इन्फेंट पैदा हुआ है, आप क्या बोलोगे उसे, एक इन्फेंट पैदा हुआ है, ठीक है, आप क्या बोलोगे कि अभी भाई एक नवजात शिशु, एक नवजात लड़की पैदा हुई है, बिल्कुल नवजात लड़की है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, अभी नवजात है, धीरे 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 वो लड़की डेवलप होगी, नवजात से बाल्यावस्था में आएगी, बाल्या से किशोरावस्था में आएगी, किशोरावस्था से युवावस्था में जाएगी, ठीक है। सिमिलरली उसकी ओवरीज में, उस फीमेल की ओवरीज में जो स्ट्रक्चर है, जो हमें दिख रहा है, साइंटिस्ट को जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, वो प्राइमरी फॉलिकल दिख रहा है, और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो सेल है वो क्या है, प्राइमरी ऊसाइट है। मेरी बात समझ में आया, ये सेल कौन सा होगा, प्राइमरी ऊसाइट होगा, लेकिन स्ट्रक्चर इस सेल को हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी फॉलिकल। क्यों, मैंने बताया था कि प्राइमरी ऊसाइट डिवीज़न तो नहीं कर पाता, लेकिन क्या करता है, अपने पास ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर बना लेता है, और ग्रैनुलोसा सेल्स को आपस में चिपका करके एक स्ट्रक्चर बना लेता है सुंदर सा फ्लावर जैसा, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल की ओवरीज में हमें देखने के लिए मिलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। कौन फीमेल है ये, जो अभी पैदा हुई है, प्राइमरी फॉलिकल्स उसके ओवरीज में दिख रहे हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फीमेल हो जाएगी 12-13 साल की, ठीक है, 12-13 साल की हुई, जैसे ही वो 13 साल की हुई उसने प्यूबर्टी को हिट करा, प्यूबर्टी में आई, मतलब एक लड़की इन्फेंसी स्टेज को पार कर चुकी है, चाइल्डहुड स्टेज को पार कर चुकी है, अब किस में आ गई, एडोलेसेंस स्टेज में। और आपने सब ने देखा होगा गर्ल्स में एडोलेसेंस स्टेज में कितने सारे चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, प्यूबिक हेयर अकर हो जाते हैं, ठीक है, लड़कियों की आवाज़ थोड़ी परिवर्तित हो जाती है, हाइट वाइट भी बढ़ती है, सब कुछ आता है, क्योंकि प्यूबर्टी हिट हो रही है, अब हाइपोथैलेमस का काम स्टार्ट हो गया, हाइपोथैलेमस काम स्टार्ट करने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम हाइपोथैलेमस की तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी ऊसाइट थे, ठीक है, ये जो अंडा है ये प्राइमरी ऊसाइट है, और ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है। समझ में आ गया, इसके अंदर जो एग है वो प्राइमरी ऊसाइट है, और जो पूरा एग के, एग मैंने बताया ना, एग कभी भी अकेला नहीं आता, एग कभी भी ऐसे अकेला नहीं रिलीज घूम रहा है, जैसे जानवरों के अंडे हमें दिखते हैं, ऐसा ह्यूमंस का अंडा नहीं होता, देखा होगा ना, केवल अंडा पड़ा है, चिड़िया वगैरह का अंडा पड़ा है, ऐसा नहीं, ये एग बड़ा सजा हुआ होता है, इसके चारों ओर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो प्राइमरी फॉलिकल्स बन चुका होता है, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी ऊसाइट था, जो शांत करा दिया था नेचर ने, इसको प्रोफेज वन में रोक दिया था, ठीक है, इसमें अभी भी कुछ नहीं होगा, ये प्राइमरी जो फॉलिकल थे ये धीरे धीरे क्या बनने लगेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बनने लगेंगे, मतलब धीरे धीरे फॉलिकल जो हैं वो ग्रो करने लगेंगे, धीरे धीरे फॉलिकल्स क्या करने लगेंगे, ग्रो करने लगेंगे। तो फॉलिकल्स में क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल से तुम्हारे क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा, मतलब ये स्ट्रक्चर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। एक लड़की इन्फेंट में इतनी सी थी, इतने से इतनी बड़ी हो जाएगी, मतलब उसका स्ट्रक्चर बढ़ रहा है ना, बच्चे का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है ना, डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे की आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। सिमिलरली ये फॉलिकल्स भी ग्रो करेंगे, ये फॉलिकल मान लो इतना छोटा सा था, अब ये इतना बड़ा हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल से ये टर्शरी फॉलिकल बनने जा रहा है, टर्शरी फॉलिकल जैसे ही ये बनता है, मान लो इसका स्ट्रक्चर अब इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स इतना सा था, समझ रहे हो ना, ग्रोथ हो रही है ना, देख रहे हो कैसे कैसे बढ़ता चला जा रहा है, साइज कैसे बढ़ता चला जा रहा है, ये टर्शरी फॉलिकल।
सेकेंडरी फॉलिकल में भी तुम्हारे अंदर जो अंडा था वो प्राइमरी ऊसाइट था, प्राइमरी फॉलिकल में भी जो अंदर अंडा था वो प्राइमरी ऊसाइट था, लेकिन जैसे ही ये टर्शरी फॉलिकल बनता है, समझ में आ रहा है, जैसे ही ये टर्शरी फॉलिकल बनता है इस प्राइमरी ऊसाइट में ये मियोसिस वन जो है ये कंप्लीट हो जाती है, मतलब ये चारों स्टेजेस ये पार कर लेता है, मियोसिस वन कंप्लीट हो जाती है और प्राइमरी ऊसाइट से आपके जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, दो सेल बनेंगी, मैंने बताया था दो सेल बनेंगी, एक सेल यहाँ बनेगी छोटी सी और एक सेल बड़ी बनेगी फीमेल्स में, इस वाली बड़ी वाली सेल को हम बोलेंगे सेकेंडरी ऊसाइट। क्यों बोलेंगे बड़ी वाली सेल को हम सेकेंडरी ऊसाइट क्यों बोलेंगे, और इस छोटी वाली सेल को हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ऐसा क्यों मैम आप ऐसा क्यों कह रही हो, इसको भी सेकेंडरी ऊसाइट क्यों नहीं कह रही हो? और पहला मियोसिस होते ही ये पहला मियोसिस की चारों स्टेजेस कंप्लीट हो गई, जब बना टर्शरी फॉलिकल ये पहला मियोसिस कंप्लीट होते ही ये जो 2n सेल थी ये n और n हो गई, मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो गए, और अर्धसूत्री विभाजन का तो काम ही है क्रोमोसोम्स के नंबर आधे आधे करने का, अर्धसूत्री विभाजन तो होता ही इसीलिए है क्रोमोसोम्स के नंबर आधे आधे करने का, और होता ही किस में है, आपके हैप्लॉइड सेल में होता है। ठीक है, देखो ये सेल के अंदर सेल के न्यूक्लियस में चेंजेस आ रहे हैं, ये जो सेल है ये जो सेल भरी पड़ा हुआ है प्राइमरी ऊसाइट, इसके न्यूक्लियस में ये परिवर्तन आ रहे हैं, मतलब सेल के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, सेल अब प्राइमरी ऊसाइट ना होके सेकेंडरी ऊसाइट हो गया। ठीक है, लेकिन सेल का स्ट्रक्चर क्या बन चुका है, सेल दिख कैसा रहा है, टर्शरी फॉलिकल दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, टर्शरी फॉलिकल दिख रहा है, टर्शरी फॉलिकल दिख रहा है। ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइट बन गया और ये जो छोटी बॉडी बनी, दो सेल बनती हैं हमेशा, ओगोनिया से प्राइमरी ऊसाइट बने, प्राइमरी ऊसाइट में जब मियोसिस वन होता है, मियोसिस वन होता है, मान लो ये प्राइमरी ऊसाइट है, ये प्राइमरी ऊसाइट है, इसमें जब मियोसिस वन हुआ तो दो सेल बनते हैं, एक सेल से हमेशा दो सेल बनते हैं, इस 2n का एक n यहाँ आ जाएगा, एक n यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसमें एक सेल बहुत छोटी दुबली पतली मरी हुई सी बनती है फीमेल्स में, जबकि दूसरी सेल अच्छी हष्ट पुष्ट बनती है, बढ़िया साइटोप्लाज्म लेती है, और इसी को हम सेकेंडरी ऊसाइट बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी ऊसाइट। इसका रीज़न है फीमेल्स में भी चार सेल बनते हैं, लेकिन चार सेल में से आपके, मतलब फीमेल्स में केवल एक ही एग रिलीज होता है महीने में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जबकि मेल्स में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं एक इजैकुएशन में बाहर आते हैं, समझ में आ रहा है, मेल्स में एक स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्माटिड्स बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, फीमेल में भी चार बनते हैं, लेकिन उसमें आप देखो फर्स्ट पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाती है, ऐसे ही सेकंड पोलर बॉडी भी डीजेनरेट हो जाएगी। फीमेल्स में केवल एक ओवम बनता है, फीमेल में कितने ओवम बनते हैं, केवल एक ओवम बनता है, एक ओवरी में केवल एक ही ओवम बनता है, समझ आ गई, समझ आ गई। डिवीज़न बराबर से हो रहा है, प्राइमरी ऊसाइट में डिवीज़न हुआ, ये एन और एन हो गया, लेकिन ये बिल्कुल छोटी बॉडी बनती है, ख़राब बिल्कुल बेकार सी बॉडी बनती है, ये डीजेनरेट हो जाती है और ये हो जाता है सेकेंडरी ऊसाइट। तो मतलब टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो अब सेल जो पड़ा है, जो ये एग पड़ा है, ये क्या पड़ा है, ये सेकेंडरी ऊसाइट है। क्यों? क्योंकि इसमें मियोसिस वन कम्प्लीट हो गई, और मियोसिस वन कम्प्लीट होते ही क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाती है। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। अब ये टर्शरी फॉलिकल थोड़ा और ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा, क्योंकि हमें चाहिए ग्राफियन फॉलिकल। क्या चाहिए? ग्राफियन फॉलिकल चाहिए। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी क्या है? सेकेंडरी ऊसाइट है। ग्राफियन फॉलिकल आपको पता है 14th डे पे रप्चर हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पड़ा, और ये चेंजेस आप कहाँ देख रहे हो? ये ओवरीज में चेंजेस हो रहे हैं। ओवरीज में देखो, ये छोटा सा अंडा बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, अब ये रप्चर हो जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर क्या चेंजेस हमने देखे, सेल के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, सेल के अंदर चेंजेस हमने देखे कि प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट हो चुका है। ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइट कहता है मियोसिस टू कर लूँ और ओवम बन के बाहर निकलूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जैसे ही मियोसिस टू में पैर रखता है प्रोफेज टू में चला जाता है, हो जाती है प्रोफेज टू, जैसे ही मेटाफेज टू में आता है, इसको कुदरत जो है फिर से मेटाफेज टू में अरेस्ट कर लेती है। ठीक है,
सेकेंडरी ऊसाइट मियोसिस टू करके बाहर आना चाहता है, ओवम बन के बाहर आना चाहता है, ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम रप्चर होना चाहता है, लेकिन ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम बाहर नहीं निकलता, ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ऊसाइट बाहर निकलता है। हमारी बुक्स में बहुत गलत लिखा होता है कि ओवम रिलीज होता है, जी नहीं, ओवम जब मेल का न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर कर जाता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, सेकेंडरी ऊसाइट में मियोसिस टू कंप्लीट होता है, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम ओवम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ओवम नहीं निकलता है फीमेल की बॉडी से, सेकेंडरी ऊसाइट बाहर निकलता है फीमेल की बॉडी में ओवरीज से, ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ऊसाइट रप्चर होता है, क्योंकि जैसे ही सेकेंडरी ऊसाइट सोचता है लव मैं मियोसिस टू भी कर लूँ, मियोसिस टू को यहीं मेटाफेज टू में रोक दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतनी चीज़ समझ में आई। अब 14वां दिन आ गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का और ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो गया। ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर क्या है? ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर है ये आपके सेकेंडरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट बनेगा, सेकेंडरी ऊसाइट एन सेल है, सेकेंडरी ऊसाइट से ओवम बनेगा, ओवम भी आपके एन सेल होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसमें जोना पैलासिटा की लेयर है, ठीक है, और इसके बाहर आपके ऐसे कोरोना रेडियाटा की लेयर है, और ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाएगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर बाहर आएगा, ये आपके सेकेंडरी ऊसाइट बाहर आएगा, सेकेंडरी ऊसाइट के साथ आपके जोना पैलासिटा की लेयर बाहर आएगी और इसके साथ साथ कोरोना रेडियाटा की लेयर बाहर आएगी। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बाहर आता है, ठीक है। और अभी भी ये किस में रुका हुआ है? मियोसिस टू में कंप्लीट नहीं हुआ है, मियोसिस टू की मेटाफेज टू में इसको नेचर ने स्टॉप कर दिया है। आई होप अभी आपको कुछ तो समझ में आया होगा, मैंने बहुत कोशिश करी है समझाने की। देखो, सेल के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अलग है, वो आपको ओवरीज में सेल ग्रो होती है, जैसे आप अपने घर में ग्रो होती हैं, आप अपने घर में इन्फेंट से अर्ली इन्फेंट से चाइल्डहुड में आती हैं, चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में आती हैं, और फिर एडल्टहुड में आने के बाद आप विदा कर दी जाती हैं अपने घर से, आपकी शादी कर दी जाती है, आप दूसरे घर चली जाती हैं। एक समझो, बस समझो, ठीक है। ऐसे ही फीमेल की ओवरीज में उसके फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। भैया पहले प्राइमरी थे, प्राइमरी से सेकेंडरी हुए, सेकेंडरी से टर्शरी हुए, और जैसे ही वो ग्रेफियन हुए वो रप्चर हो गए, ठीक है, रप्चर हो गया, रप्चर होके फट गया। समझ में आ रहा है? तो जैसे आपने अपनी स्टेजेस में ग्रो देखा, आप पहले छोटी से इतनी 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 हुई, ऐसे ही सिमिलरली आपके फॉलिकल्स भी ओवरी के अंदर डेवलप करते हैं। तो फॉलिकल के डेवलपमेंट को फॉलिकुलर डेवलपमेंट बोलते हैं। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी के फिर बाद टर्शरी, टर्शरी के बाद ग्रेफियन। फॉलिकल के अंदर क्या है? फॉलिकल के अंदर क्या है? ऊसाइट है, ऊसाइट, ठीक है, जो ओवम बनेगा। उन फॉलिकल्स के अंदर क्या है? ऊसाइट है। प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी ऊसाइट, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी ऊसाइट, सेकेंडरी से जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस वन कंप्लीट हो जाती है जो कि रुकी हुई थी, और सेल्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे सेल के अंदर, दूसरा सेल डीजेनरेट हो जाता है, सेकेंडरी ऊसाइट आगे बढ़ जाएगा। ग्रेफियन फॉलिकल में भी सेकेंडरी ऊसाइट होगा, सेकेंडरी ऊसाइट बाहर निकल आएगा, फेलोपियन ट्यूब्स के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा, और फेलोपियन ट्यूब्स में जो एम्पुला में बैठा है वो ओवम नहीं बैठा है, वो सेकेंडरी ऊसाइट बैठा है। कौन बैठा है? सेकेंडरी ऊसाइट बैठा है। इतनी चीज समझ में आई? मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं आपको ऊजेनेसिस दोबारा से समझा सकूं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे मैम थोड़ा सा हमें हार्ड हुआ। क्यों हार्ड हुआ? क्योंकि वो सेल डिवीजन में फंस गए, ठीक है। प्राइमरी ऊसाइट सेल है और प्राइमरी फॉलिकल सेल का पूरा स्ट्रक्चर है। प्राइमरी ऊसाइट सेल है, सेल, ठीक है। मैं मतलब सोच नहीं पा रही मैं किस तरीके से आपको समझाऊं, क्या बना सकूं, कैसे समझाऊं, ठीक है। प्राइमरी ऊसाइट सेल है, सेल, और प्राइमरी फॉलिकल पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर, समझ रहे हो? पूरा स्ट्रक्चर मतलब प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या है? काफ़ी सारी अदर सेल्स भी हैं और साथ में प्राइमरी ऊसाइट भी है, ठीक है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल और बड़ा होगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी से टर्शरी बनेगा, टर्शरी से ग्रेफियन बन जाएगा, तो धीरे धीरे सेल भी तो बदलेगा, प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट बन जाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन चल रहा है, ठीक है।
सेल डिवीजन में आप ध्यान रखेंगे, उगोनिया से प्राइमरी ओसाइट बनेगा, प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, सेकेंडरी ओसाइट से ओवम बनेगा, ठीक है। अभी सेकेंडरी ओसाइट किस में रुका हुआ है, मियोसिस टू में रुका हुआ है। क्रोमोसोम्स की संख्या कब आधी हो जाती है, मियोसिस वन में ही हो जाती है। मियोसिस टू में क्रोमोसोम्स पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्रोमोसोम्स की संख्या एक ही बार आधी आधी होती है जो कि मियोसिस वन में हो जाती है। इसके बाद क्रोमोसोम्स की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल दो और बनते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं फर्टिलाइजेशन पे, गिव मी अ सेकेंड, मैं ज़रा ये रब कर लूँ, एक सेकेंड देना, ठीक है। डस्टर कहाँ है मेरा, जब तक आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, मेरे प्रीवियस और लेक्चर्स लगाना, दो बार तीन बार चार बार देखना, आपको समझ में आएगा डेफिनेटली, ठीक है। चलो आप समझते हैं हम फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अभी सेकेंडरी ओसाइट में क्या नहीं हुआ है, मियोसिस टू कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। मियोसिस सेकेंडरी ओसाइट मेटाफेस टू में अटका पड़ा है, वहाँ पे क्या नहीं हुआ है, मियोसिस टू कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल क्या हो चुका है, रप्चर हो चुका है, फट चुका है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, कुछ तो मैंने काफ़ी कोशिश करी है रिवाइज कराने की आपको। देखो भाई, अब आएगा आपके सेकेंडरी ओसाइट बाहर, सेकेंडरी ओसाइट कभी भी अकेला बाहर नहीं आता, मैंने बोला ना वो रानी है, वो कैसे बाहर आ जाएगी, वो हमेशा अपने साथ सेल्स की कवरिंग्स लेके चलती है बहुत सारी, वो कभी भी ऐसे बाहर नहीं आ जाती, अगर ऐसे ही बाहर आ जाएगी तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी ना, वो रानी है, रानी है। तो सेकेंडरी ओसाइट जब ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है, 14th डे पे रप्चर हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट आपके ओवरीज से बाहर आता है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बाहर आता है, ये सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है। और इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो हो गई क्योंकि ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये सेकेंडरी ओसाइट है। इसके बाहर एक लेयर होती है आपके स्टूडेंट्स, जिसको हम जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा, गिव मी अ सेकेंड, मैं दोबारा बनाऊंगी, सब मेरे साथ बनाएंगे। क्या स्ट्रक्चर बाहर आता है ग्राफियन फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट तो बाहर आता ही है, सेकेंडरी ओसाइट के साथ दो लेयर बाहर आती हैं, गिव मी अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा कलर कर लूँ, है थोड़ा सा, एक सेकेंड देना, ये ओके, विटलाइन मेम्ब्रेन, पेरिविटलाइन मेम्ब्रेन, विटलाइन, ये पेरिफेरल स्पेस हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड देना, 1 2 3 मैंने ज़्यादा बना दी हैं, आप देखो ये है जोना पेलिसोडा जो मैं ग्रीन से अभी कलर करूँगी, ठीक है, ये जोना पेलिसोडा है, ये वाली, ये जोना पेलिसोडा है, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है जोना पेलिसोडा की लेयर है, ये जोना पेलिसोडा की लेयर है। ये हैं आपके कोरोना रेडियाटा, दिस वन, दिस स्ट्रक्चर इज कोरोना रेडियाटा, ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये कोरोना रेडियाटा की लेयर है, कोरोना, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, दो लेयर होती हैं सेकेंडरी ओसाइट के दोनों ओर, एक जोना पेलिसोडा की लेयर होती है, एक कोरोना रेडियाटा की लेयर होती है, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को स्टूडेंट्स विटलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन, ये वाली जो लाइन है, ये जो बनी हुई है, इसको मैं डबल करती हूँ ब्लैक से ही, एक सेकेंड देना, ये वाली जो लाइन है, ये जो सेकेंडरी ओसाइट की जो बाहर ये लाइन है ना, आउटर मोस्ट लेयर को, ये इसको विटलाइन लेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
विटलाइन लेयर या विटलाइन मेम्ब्रेन, विटलाइन मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी ऊसाइट की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को, या आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को ही सेकेंडरी ऊसाइट का न्यूक्लियस है, सेकेंडरी ऊसाइट की या ओवम की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को विटलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। हालांकि ये ओवम नहीं है, ये सेकेंडरी ऊसाइट है, विटलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और आप देखो ये जो है स्पेस आपको एक नज़र आएगा, जोना पेलिसोडा और विटलाइन मेम्ब्रेन के बीच में ये एक स्पेस नज़र आएगा, ये ब्लू कलर का ये स्पेस नजर आ रहा है ये वाला, इसको पेरीविटलाइन स्पेस बोलते हैं, पेरीविटलाइन स्पेस। ये देखो ये जोना पेलिसोडा और सेकेंडरी ऊसाइट, मतलब कहने का ये है कि जोना पेलिसोडा एकदम चिपकी नहीं होती है सेकेंडरी ऊसाइट के ऊपर, थोड़ा सा दूर होती है सेकेंडरी ऊसाइट से, ठीक है। ये सेकेंडरी ऊसाइट है, इसके ऊपर जोना पेलिसोडा की लेयर है, जोना पेलिसोडा थोड़ी सी दूर है, क्योंकि चूँकि सेकेंडरी ऊसाइट या ओवम की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, जो कवरिंग है, ये जो लेयर है उसको विटलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो इस स्पेस को पेरीविटलाइन स्पेस बोलते हैं, पेरीविटलाइन स्पेस, पेरीविटलाइन स्पेस बोलते हैं। किसको बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस? जोना पेरिसोडा और सेकेंडरी ऊसाइट के बीच के स्पेस को, बीच के स्पेस को पेरीविटलाइन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और ओवम की आउटर मोस्ट कवरिंग को या सेकेंडरी ऊसाइट के आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? विटलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई? पहले ये स्ट्रक्चर बना लो, सब अपनी कॉपी में बनाओ, ज़रा फटाफट से बनाओ। विटलाइन, हाँ सही लिखा है मैंने, पेरीविटलाइन स्पेस सही लिखा है, फटाफट से लिख लो भाई। ये ओवम है, ओवम लिख दो इस पे, यहाँ पे ओवम लिख दो। ओवम तो नहीं लिखूँगी मैं, इसको सेकेंडरी ऊसाइट ही लिखूँगी मैं। क्यों लिखूँ ओवम जब ये अभी सेकेंडरी ऊसाइट है? और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपके बाहर आता है ओवरीज से, ठीक है। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो ये स्ट्रक्चर आपके बाहर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लीजिए। पेरीविटलाइन स्पेस, पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक। ये सेकेंडरी ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट का न्यूक्लियस है, सेकेंडरी ऊसाइट की जो ये लेयर है, ये ब्लैक से जो मैंने डबल की है, इसको हम विटलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। जोना पेलिसोडा ये है, ये जोना पेलिसोडा दिख रही है आपको, जोना पेलिसोडा जो मैंने ग्रीन से बनाई है, जोना पेलिसोडा है। जोना पेलिसोडा और विटलाइन मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को आपके पेरीविटलाइन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। जोना पेलिसोडा और विटलाइन मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को आपके पेरीविटलाइन स्पेस बोलते हैं। पेरी मतलब परे परे, तो बाहर की तरफ के स्पेस को। और जोना पेलिसोडा, और जोना पेलिसोडा बिल्कुल टच नहीं होती, ऐसे नहीं जोना पेलिसोडा मुझे छू रही है, मतलब मैं सेकेंडरी ऊसाइड हूँ तो बिल्कुल मेरे ऊपर चढ़ी हुई है, जी नहीं। मेरे और जोना पेलिसोडा के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, मेरी मेम्ब्रेन को विटलाइन मेम्ब्रेन बोलेंगे और जोना पेलिसोडा मेरे बीच के स्पेस को पेरीविटलाइन स्पेस बोलेंगे। मुझसे थोड़ा दूर है जोना पेलिसोडा, ठीक है, मैं सेकेंडरी ऊसाइट हूँ। और सबसे बाहर होती है कोरोना रेडियाटा, ये तो आपको पता ही है। ये पूरा स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर विल कम आउट फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब बना लेते हैं हम फीमेल का क्या बना लेते हैं, यूट्रस वजाइना सब बना लेते हैं। यहाँ लिख लेना, उधर लिख लेना, इसको पेरीविटलाइन स्पेस को। चलो मैं ही लिख देती हूँ, आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख लो पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है। अब हम बनाएंगे यूट्रस वजाइना, ठीक है, फलोपियन ट्यूब्स, एक रफरी स्ट्रक्चर है, हंसो मत, ठीक है। अब क्या होता है भैया, यहाँ से इंसेमिनेशन हुआ, इंसेमिनेशन हुआ मतलब मान लो मेल का पीनिस है और इंसेमिनेशन हो गया, इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म्स अंदर आ गए, स्पर्म्स क्या हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन, सो सब ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजेशन निषेचन आप देखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से स्पम्प्स ने एंटर कर लिए, ये स्पम्प्स आ रहे हैं, स्पम्प्स आ रहे हैं, स्पम्प्स आ रहे हैं, स्पम्प्स आ रहे हैं, ये स्पम्प्स आ रहे हैं, ठीक है। जब इंसेमिनेशन होता है फीमेल में, मेल के पेनिस से स्पम्प बॉडी के अंदर आते हैं, तो स्पम्प्स के ऊपर ना बहुत ज़्यादा फीमेल का जो
रिप्रोडक्टिव ट्रैक है या जो वजाइनल सिक्रीशन है, ये इन्हें ख़त्म करते हैं। आपको पता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो आपके बाहर निकलते हैं और केवल 200 स्पर्म जो हैं वो ओवम के पास पहुंच पाते हैं। समझ रहे हैं? एक इजैकुएशन में जब मेल इजैकुएट करता है फीमेल की बॉडी में, इंसेमिनेट करता है, मतलब पेनिस से अपना स्पर्म फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेट करता है, अंदर करता है फीमेल के, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स उसके इजैकुएशन से बाहर आते हैं, लेकिन इतने मार दिए जाते हैं केवल 200 फीमेल के ओवम के पास तक, सेकेंडरी ओसाइट के पास तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, किसके पास तक पहुंच पाते हैं? सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट कहाँ बैठा है? ये बैठा है एम्पुलर रीजन में, ये सेकेंडरी ओसाइट बैठा है। समझ गए ना कहाँ बैठा है सेकेंडरी ओसाइट? ये बैठा है ओवरीज से निकल चुका है, फेलोपियन ट्यूब्स ने कैप्चर कर लिया है और सेकेंडरी ओसाइट ये बैठा है। ठीक है, इंसेमिनेशन हो गया, मेल्स फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, कोइटल एक्ट हुआ और मेल के जो पीनिस से स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर आ चुके हैं। अब इनका होता क्या है? 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में से केवल 200 ही क्यों पहुंचते हैं? क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया इनके साथ? फीमेल का जो वजाइना है, जो रिप्रोडक्टिव एरिया है, वो इन्हें कूचता है, मारता है, इनको ख़त्म करता है। एक तो आपको पता है वजाइनल सिक्रीशन एसिडिक होता है, ये उस वजह से आधे ज़्यादा तो मर जाते हैं, एसिड में आके मर जाते हैं। ठीक है, फिर जो ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, तो जब ये ऊपर बढ़ रहे होते हैं तो इनके ऊपर वजाइना सिक्रीशन काम कर रही होती है, वजाइना और जो फैगोसाइट्स होते हैं फीमेल के अंदर, जो WBC है वो इन्हें खा जाती हैं, कच्चिक कच्चिक इनको ख़त्म कर लेती हैं। बहुत तो इसमें मर जाते हैं, बहुत आपस में ही लड़ भिड़ के मर जाते हैं, फिर भी कुछ पहुँचते हैं। फिर क्या होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ये पूरा फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक कहलाता है जहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहीं पे बच्चा पैदा होगा, यहीं पे आपके अभी एम्ब्रियोनिक कह रही हूँ जो इम्प्लांटेशन है वो होगा एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर, तो इसको पूरे को रिप्रोडक्टिव एरिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वजाइना से और रिप्रोडक्टिव एरिया से ऐसी सिक्रीशंस निकल रही होती हैं, ये क्या करती हैं, ये पूछती हैं ए स्पर्म किधर जा रहे हो? वो कहते हैं ओवम के पास जा रहे हैं। कहती हैं अच्छा इधर आओ, और स्पर्म को पकड़ती हैं और उसको ऐसे ऐसे मांझ देती हैं, उसको पूरा मांझ देती हैं स्पर्म को। ठीक है, स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है? मैं यहाँ बना लेती हूँ स्पर्म का स्ट्रक्चर, आपको सबको पता है, मैंने स्पर्म का स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखाया था। ठीक है, ये आपके मिड एरिया हो गया, ये मिडल पीस हो गया, ये टेल हो गई स्पर्म की, यहाँ पे ये एक्रोसोम भरा होता है, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये नेक होता है, ये मिडल एरिया होता है, यहाँ पर इस तरीके से आपके माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं, बताया था ना, ये एक्रोसोम भरा हुआ है। ठीक है, ये एक्रोसोम में आपके एंजाइम्स भरे हुए हैं और ये क्या है, इलॉन्गेट न्यूक्लियस है स्पर्म का। स्पर्म के पूरे ऐसे चारों ओर जो होती है इस तरीके से आपके ऑब्वियसली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस तरीके से दूसरे से बनाना चाहिए था, दूसरे कलर से, ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। गिव मी अ सेकंड। ऑब्वियसली सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही, सेल है स्पर्म, सेल है तो सेल के आउटर मोस्ट लेयर पे एक लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। स्पर्म सेल है कि नहीं है? तो ये सेल है तो इसके चारों ओर क्या है, एक ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो, ऑब्वियसली ऐसे पूरी मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऐसे मेम्ब्रेन होती है ये, लाइक दिस। वजाइनल सिक्रीशन इससे कहती हैं, यहाँ पे वजाइना सिक्रीशन हो रहा है, बहुत सारा वजाइना सिक्रीशन हो रहा है, बहुत सारे स्पर्म्स मर रहे हैं, इनका कत्लेआम हो रहा है, इनका खून खच्चर इनका हो रहा है। कुछ जो स्पर्म्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो वजाइना कहती है कहाँ जा रहे हो, वजाइना सिक्रीशन या रिप्रोडक्टिव सिक्रीशन कहती है कहाँ जा रहे हो, कहते हैं भैया ओवम के पास जा रहे हैं, कहती है अच्छा आओ, और इनको पकड़ती है और इनको खूब ऐसे करके इनको मांझ देती है। मांझने से क्या होता है, इनकी ये जो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये वीक हो जाती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी वीक हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, इनका कार्बोहाइड्रेट निकल जाएगा, इनका प्रोटीन्स निकल जाएगा, ये वीक हो जाएंगी। और कौन करता है ये काम, वजाइनल सिक्रीशंस या आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव सिक्रीशन, फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो एरिया है उसकी सिक्रीशन, बराबर कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही है ना फीमेल के अंदर, WBC है कि नहीं है, फैगोसाइट्स हैं, वो खाती हैं, कहती हैं अरे 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 कौन घुस गया हमारी राजकुमारी के पास, कौन जा रहा है, कौन घुस गया, ख़त्म करो इन्हें। अब वो इतने होते हैं कि बेचारे जो है इधर तुम्हारे माहेश्वरी सेना जो है वो कम पड़ जाती है, माहेश्वरी सेना ख़त्म भी करती है, लेकिन तब भी 200 बदतमीज पहुँच जाते हैं दुष्ट। ठीक है, पहुँच जाते हैं, तो इनको जो है ये इतना ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे इनको रगड़ती है, इतना खचखच करती है वजाइनल सिक्रीशन, इससे क्या हो जाता है, इससे इनकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जस्ट फॉर योर लर्न, जस्ट फॉर योर कि आपको समझ में आ जाए इस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ,
इनकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये वीक हो जाती है और ये होना बहुत ज़रूरी है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले ये प्रोसेस होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन। लिखेंगे सब, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन। वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, सबसे पहले तो ये होती कहाँ है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होती है। इसमें क्या होता है? वीकनेस, वीकनिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है स्पर्म की, ये वीक हो जाती है, वीक हो जाती है ये, ठीक है? ये ऐसे समझ लो, ये तोड़ दिए मैंने जगह जगह से, ये वीक हो जाती है। और ऐसा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब ये वीक हो जाती है ना, तो ये जो एक्रोसोम है ये ईजिली जो है कोरोना रेडियाटा को और जोना पेरिसोडा को तोड़ने में, उसको भेदने में जो है वो हो पाता है, सक्सेस हो पाता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं टूटेगी तो ये जो है कोरोना रेडियाटा को और जोना पेरिसोडा को अच्छे से भेद नहीं पाएगा, एक्रोसोम फट नहीं पाएगा स्पर्म का और न्यूक्लियस एंटर नहीं कर पाएगा ओवम के अंदर। तो इसी प्रोसेस को आपके कैपेसिटेशन प्रोसेस बोलते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सबने वो सुना है इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF के बारे में सुना है, जब कभी भी फीमेल जो है उसकी मतलब उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, रिप्रोडक्टिव फेलोपियन ट्यूब्स में नहीं हो पाता है, तो उसका ओवम बाहर निकाल लेते हैं और मेल का स्पर्म ले लेते हैं और दोनों को टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं, जो टेस्ट में ट्यूब्स में बना के फर्टिलाइज करके फिर फीमेल की बॉडी में इम्प्लांट करवा दिया जाता है, IVF बोलते हैं, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। तो पहले क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या किया, ओवम को निकाला और ये स्पर्म को निकाला और दोनों को फ्यूज़ कर दिया। मैं बार बार ओवम बोलती हूँ लेकिन वो ओवम नहीं है, सेकेंडरी ओसाइट है, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी मैंने भी वही चीज़ें पढ़ी हैं तो मेरे मुंह से बार बार ओवम ओवम निकलता है। ओवम नहीं होता है, सेकेंडरी ओसाइट होता है, ठीक है? सेकेंडरी ओसाइट को बाहर निकाला, मेल्स के स्पर्म्स को बाहर निकाला और दोनों को ऐसे ऐसे मिला रहे थे, मिला रहे वो फ्यूज़ ही नहीं हो रहा है, स्पर्म जो है वो फ्यूज़ ही नहीं कर पा रहा है, ओवम के अंदर जा ही नहीं पा रहा है। साइंटिस्ट ने कहा यार ये क्या हो रहा है, ऐसे ही तो होता है फ्यूज़न, क्यों नहीं हो पा रहा है? फिर उनको पता चला कि भैया रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वजाइनल सिक्रीशंस जो हैं इनका सिर मांज देती हैं, इनके सिर को धो देती हैं, ठीक है? साइंटिस्ट को पता चला ये बात, अच्छा ऐसा होता है, इनका सिर मांज दिया जाता है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वीक कर दिया जाता है, तब जाकर कि ये कोरोना रेडियाटा को और जोना पेरिसोडा को जो है भेद पाते हैं, फिर इनका न्यूक्लियस अंदर एंटर कर पाता है। अच्छा ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या किया, एक सॉल्यूशन में स्पर्म्स के सिर को धो दिया, सारे स्पर्म्स को एक सॉल्यूशन में मिक्स किया। उस सॉल्यूशन में मिक्स करने से क्या हुआ, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ये वीक पड़ गई और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन प्रोसेस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये कब होती है? ये फर्टिलाइजेशन से पहले होती है। कहाँ होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव एरिया में होती है। और किस लिए होती है, क्या है क्या ये? तो ये वीकनिंग है, किसकी वीकनिंग है? स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से कार्बोहाइड्रेट निकाल लिया जाता है, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटीन्स निकाल लिया जाता है और स्पर्म्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि स्पर्म एक सेल है और सेल के बाहर बाहर और एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति तो नहीं बोलते, भित्ति तो वॉल होती है जो प्लांट्स में होती है। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन को? भित्ति तो कोशिका, सेल वॉल होती है। अरे जो भी है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हिंदी में समझ लेना, ठीक है? तो उसको तोड़ देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। फिर साइंटिस्ट को जब पता चला तो साइंटिस्ट ने फिर सॉल्यूशन में उसको करा और जो है फिर जब मिलाया, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन किया तो हो गया, ठीक है? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव एरिया में होता है, ठीक है? हो गया कैपेसिटेशन, वजाइनल सिक्रीशन ने इनका सिर मांज दिया स्पर्म का, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वीक कर दिया। अब जा रहे हैं स्पर्म, जा रहे हैं कुछ, यहाँ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भैया ऐसा सिग्नल्स तो लगा नहीं है कि उधर बैठा है वो, हमें रेड लाइट लगी उधर जाओ उधर जाओ, तो कुछ इधर भी जाएंगे, यहाँ जाके मर जाएंगे, कुछ इधर भी जाएंगे, ठीक है? अब जो इधर पहुँचेंगे उनमें होगी लड़ाई कि कौन इस सेकेंडरी ओसाइट को फर्टाइल कर पाएगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? आपकी कोई वजाइना में रेड लाइट तो लगी नहीं है, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट जो स्टॉप करेगी स्पर्म्स को कि नहीं नहीं उधर ही बैठा है उधर ही जाओ, तो उस तो उधर दूसरी साइड भी चले जाएंगे, कुछ दूसरी साइड जा रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ यहीं मर गए। ऐसे करते करते 200-300 मिलियन स्पर्म्स में से केवल 200 स्पर्म्स जो हैं वो
सेकेंडरी ऊसाइट के पास पहुंचते हैं। अब क्या होता है, अब देखिए, समझ में आ गया, कैपेसिटेशन प्रोसेस समझ में आ गई। अब देखो क्या होगा, अब जो स्पर्म्स हैं ये पहुंचते हैं इसके पास, सेकेंडरी ऊसाइट के पास। मान लो मैं बना लेती हूँ ब्लू से ही बना लेती हूँ, ये स्पर्म्स हैं लाइक दिस, बहुत सारे स्पर्म्स पहुँच गए, ठीक है, पहुँच रहे हैं, ठीक है, पहुँच गए स्पर्म्स। अब क्या होता है, अब ये स्पर्म्स जो हैं कोरोना रेडियाटा को भेजते हुए, भाई कोरोना रेडियाटा किस एक लेयर है सेकेंडरी ऊसाइट के सबसे बाहर, तो और फिर ये जोना पेरिसोडा से टच कर जाते हैं, ठीक है, जोना पेरिसोडा से ये, मान लो एक स्पर्म ये टच कर गया, एक स्पर्म और भी स्पर्म्स हैं जो जोना पेरिसोडा के अंदर ऐसे इनको भेद रहे हैं। जोना पेरिसोडा और कोरोना रेडियाटा दोनों को भेदते भेदते, दोनों को तोड़ते तोड़ते स्पर्म्स का एक्रोसोम बिल्कुल फट चुका होता है। स्पर्म का भी आपने डायग्राम देखा, स्पर्म में ये ऐसे एक्रोसोम था ना, यहाँ पे ये सब एक्रोसोम भरा था। इस एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको हाइलोरोनिडेज एंजाइम्स बोलते हैं। ये एंजाइम्स कोरोना रेडियाटा और जोना पेरिसोडा को तोड़ने में ही हेल्प करते हैं, ठीक है, क्योंकि जोना पेरिसोडा एक बहुत ही हार्ड लेयर है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, मैंने बताया था ना सीमेंट की लेयर है, इतनी इजीली नहीं टूटती। तो उस स्पर्म के एक्रोसोम में वो एंजाइम भरे होते हैं जो कोरोना रेडियाटा और जोना पेरिसोडा दोनों को तोड़ते हैं, केवल जोना पेरिसोडा को नहीं तोड़ते, कोरोना रेडियाटा की सेल्स को भी भेदते हुए आगे जाते हैं और फिर जोना पेरिसोडा को भी तोड़ते हुए आगे जाते हैं, ठीक है, तोड़ते हुए आगे जाते हैं। लेकिन जोना पेरिसोडा कहती है, ऐसे कैसे तुम मुझ में घुस गए, ऐसे कैसे, कौन हो तुम, हु आर यू। यहाँ पर जोना पेरिसोडा में रिसेप्टर्स लगे होते हैं, यहाँ पर जोना पेरिसोडा में, यहाँ पर ये रिसेप्टर लगे होते हैं, यहाँ पर जोना पेरिसोडा की लेयर है, ठीक है, ऐसे पूरी जोना पेरिसोडा में रिसेप्टर्स लगे होते हैं, इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर, ZP3 रिसेप्टर्स। अभी तो पहुंच ही नहीं सकता स्पम्बक, अभी नहीं, अभी ZP3 रिसेप्टर्स का काम है। ZP3 रिसेप्टर्स जो हैं ये कहते हैं स्पम से, इनको देखते हैं, अच्छा ह्यूमन स्पम आया है, ओके एंट्री दे दो। मतलब ZP3 रिसेप्टर्स जो हैं ये स्पम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ये ह्यूमन स्पम को पहचानते हैं। मान लो यहाँ पर डॉगी का स्पर्म है, मान लो यहाँ पर किसी और जानवर का स्पर्म है, तो क्या ये ओवम को फर्टाइल कर देगा? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जोना पेरिसोडा की लेयर जो है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं ऐसे, इनको बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर्स, जोना पेरिसोडा 3 रिसेप्टर्स। ये ह्यूमन स्पर्म को आइडेंटिफाई करते हैं, ये पहचानते हैं ह्यूमन स्पर्म को, इनको भगवान ने परम शक्ति दे रखी है ह्यूमन स्पर्म को पहचानने की। जब ये पहचान जाते हैं अच्छा ह्यूमन स्पर्म है, तब ये जो है भाई साहब ये स्पर्म को एंट्री देते हैं और फाइनली केवल एक स्पर्म जो है, आप ध्यान रखेंगे, केवल एक स्पर्म जो है वो एक ओवम को फर्टाइल कर पाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि दो चार स्पर्म घुस जाएं जाके ओवम में, केवल एक स्पर्म ही एक क्या करता है, ओवम को फर्टाइल करता है। जैसे ही ये रिसेप्टर इस चीज़ को चेक करते हैं तो ये स्पर्म्स जो हैं ये आगे बढ़ने लगते हैं, बढ़ रहे हैं, और जैसे ही कोई एक स्पर्म ये जाकर के ऐसे छू लेता है किसकी मेम्ब्रेन को, इसकी ओवम की मेम्ब्रेन को, सेकेंडरी ऊसाइट की मेम्ब्रेन को, सेकेंडरी ऊसाइट की मेम्ब्रेन का नाम क्या था, विटलाइन मेम्ब्रेन। अभी बताया था ना सेकेंडरी ऊसाइट की ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, विटलाइन मेम्ब्रेन। तो जैसे ही एक स्पर्म जाकर के आपके विटलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है तुरंत से, और ये एक्रोसोम तो इसका फट चुका है, एक्रोसोम तो यहीं फट गया ना, ये एक्रोसोम तो फट गया, न्यूक्लियस होता है अंदर एक्रो, और टेल तो कुछ नहीं रह जाती, टेल तो भारी रह जाती है, क्योंकि टेल का काम तो केवल और केवल मूवमेंट देने का है, छुक 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 पहुँचाने का है, केवल जितनी तेज जिस स्पर्म की टेल में मूवमेंट होती है वो उतना तेज ऊसाइट के पास पहुँचता है, सेकेंडरी ऊसाइट के पास पहुँचता है, तो टेल वेल तो सब बाहर रह जाती है, केवल और केवल
न्यूक्लियस अंदर एंटर करता है, ठीक है, कौन एंटर करता है, न्यूक्लियस एंटर करता है स्पर्म का। तो स्पर्म का न्यूक्लियस, जैसे ही स्पर्म जो है आपके एक्रोसोम तो फट गया, ये सिर तो इसका है ही नहीं, एक्रोसोम तो फट चुका है, जैसे ही स्पर्म यहाँ पर एंटर कर इसको टच करता है विटिलाइन मेम्ब्रेन को, एक स्पर्म जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट की विटिलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है, तुरंत ही ये न्यूक्लियस जो है अंदर चला जाता है स्पर्म का, यहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक है, स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर चला जाता है। देखो ये फीमेल का न्यूक्लियस है, मैं ग्रीन से बना देती हूँ, ठीक है, ये फीमेल का न्यूक्लियस है, सेकेंडरी ओसाइट का न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये मेल का न्यूक्लियस आ गया, ये मेल का न्यूक्लियस आ गया, दोनों ये आ गया, तुरंत ही यहाँ पर क्या होता है, अब ब्लॉकेज, ब्लॉकेज, अब बंद कर दिए जाएंगे सारे दरवाजे और ब्लॉक हो जाएगा, किससे प्रिवेंट करने के लिए, पॉली स्पर्मी से प्रिवेंट करने के लिए। जैसे ही एक स्पर्म जो है आपके विटिलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है, विटिलाइन मेम्ब्रेन किसकी होती है, सेकेंडरी ओसाइट की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को, मैं सेकेंडरी ओसाइट हूँ, मेरी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को विटिलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, समझे, मैं सेकेंडरी ओसाइट हूँ, मेरी ये मेम्ब्रेन पूरी क्या बोली जाएगी, विटिलाइन मेम्ब्रेन। जैसे एक स्पर्म मुझे टच करेगा, मेरे अंदर से बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होंगे, कैल्शियम आयंस बढ़ जाएगा, मेरे साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयंस बढ़ जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट के अंदर कैल्शियम आयंस बढ़ जाएगा, और यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ विटिलाइन मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो है एकदम से बंद हो जाएगी, और इससे क्या प्रिवेंट होगा, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होगा। तो यहाँ पर दो तरीके के ब्लॉकेज आपको देखने के लिए मिलते हैं, एक होता है फास्ट ब्लॉक, एक होता है स्लो ब्लॉक, ठीक है। फास्ट ब्लॉक को बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ विटिलाइन मेम्ब्रेन, सबसे पहले आपके होगा फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक क्या था, क्या होता है फास्ट ब्लॉक, मतलब तुरंत जैसे ही एक स्पर्म ने एक बहुत सारे स्पर्म्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स हैं और सब भेदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला कोई एक स्पर्म ही विटिलाइन मेम्ब्रेन को टच कर पाता है, तो जैसे ही ये इस एक स्पर्म ने विटिलाइन मेम्ब्रेन को टच किया, तो चूंकि उसका एक्रोसोम तो फट चुका है, न्यूक्लियस अंदर आ गया, यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट के पास न्यूक्लियस अंदर आ गया, तुरंत ये जो लेयर है यहाँ पे क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ विटिलाइन मेम्ब्रेन, ऑफ विटिलाइन मेम्ब्रेन, सिंपल से समझ लो कि जो मेम्ब्रेन है वो खुद को क्या कर लेती है, बिल्कुल डीपोलराइज कर लेती है, मतलब एक भी छेद नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता, अब आप उसको दूसरा स्पर्म उसको नहीं भेद सकता, इसको कहते हैं फास्ट ब्लॉक, तुरंत ऐसा होता है, तुरंत जैसे ही एक न्यूक्लियस एक स्पर्म आया 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 और उसका न्यूक्लियस एंटर करा, तुरंत ऐसे कुछ एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं, कैल्शियम आयंस बढ़ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तुरंत डीपोलराइज हो जाती है विटिलाइन मेम्ब्रेन, अब दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी को रोकना, ताकि और स्पर्म्स एंटर ना कर पाए, ठीक है। लेकिन अभी बाहर तो स्पर्म्स है ना, और ये ZP3 रिसेप्टर्स तो पहचान रहे हैं, अच्छा 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 ह्यूमन स्पर्म, आते जाओ, तो ये तो पहचान रहे हैं, तो तुरंत ये जो अब ये जो न्यूक्लियस है ना मेल का, ये जो अंदर आ चुका है, इसको बोलते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे, मेल प्रो न्यूक्लियस, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करने लगेगा, बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज करने लगेगा, और एंजाइम्स क्या करेंगे, इतने सारे एंजाइम्स रिलीज करने लगेगा कि ये जो ZP3 रिसेप्टर्स थे ना जोना पेरिसोडा से, ये ख़त्म होने लगेंगे, ये रिसेप्टर ही ख़त्म होने लगेंगे। अब जब रिसेप्टर ही नहीं रहेगा तो तुम्हें पहचानेगा कौन, कौन पहचानेगा, और जोना पेरिसोडा हार्ड हो जाएगी फिर से, जोना पेरिसोडा फिर से हार्ड हो जाएगी, इसको बोलते हैं ओलिमा ब्लॉक, ओलिमा ब्लॉक। इस कंप्लीट ब्लॉकेज को एक स्पर्म ही एक ओसाइट को फर्टाइल कर पाता है, दिमाग में बैठा लेना ये बात, ब्लॉकेज हो जाती है। मैंने तो आपको दो ब्लॉकेज बताए, फास्ट ब्लॉकेज स्लो ब्लॉकेज। फास्ट ब्लॉकेज क्या होती है, डीपोलराइजेशन ऑफ विटिलाइन मेम्ब्रेन, जैसे ही स्पर्म ने विटिलाइन मेम्ब्रेन को टच किया, ये विटिलाइन मेम्ब्रेन बिल्कुल एकदम डीपोलराइज हो जाएगी, ठीक है,
और ये इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक, तुरंत ब्लॉक हो जाता है। लेकिन स्पर्म तो बाहर है ना, अभी जोना पेरिसोडा लेयर के बाहर और स्पर्म भी तो हैं, वो भी तो भेद कर सकते हैं, अंदर आ सकते हैं। तो ये जो मेल का न्यूक्लियस है ये कुछ एंजाइम रिलीज करता है, कहता है अरे बस भैया हम आ गए अंदर, अब जाओ बाकी सब जाओ जाओ चलो निकलो यहाँ से। तो ये क्या करता है, कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है जिससे जो ZP3 रिसेप्टर्स थे ना वो नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसको बोलते हैं स्लो ब्लॉकेज, क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसको बोलते हैं आपके स्लो ब्लॉकेज, स्लो ब्लॉकेज। स्लो ब्लॉकेज क्या थी, स्लो ब्लॉकेज में ये मेल का प्रो न्यूक्लियस जो होता है ये एंजाइम्स रिलीज करता है जिससे क्या होता है, जो ZP3 रिसेप्टर्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं। अब जब ZP3 रिसेप्टर्स ही ख़त्म हो गए जोना पेरिसोडा से, तो ह्यूमन स्पर्म को कोई पहचानेगा नहीं और पॉलीस्पर्मी से बचेंगे। ठीक है, फिलहाल इस कंप्लीट चीज़ को हम बोलते हैं ब्लॉकेज हो जाना, ओवम में एक स्पर्म एंटर कर गया है सेकेंडरी ओसाइड में और जोना पेरिसोडा हार्ड हो गई, जोना पेरिसोडा जो है वो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है, इसको बोलते हैं ओलिमा ब्लॉकेज। ठीक है, आप लिखेंगे इसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड देना, या इसको आप जोना हार्डनिंग बोल सकते हैं, या आप इसको जोना रिएक्शन बोल सकते हैं, और ओलिमा ब्लॉक बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ ओलिमा ब्लॉक, तो आप क्या बताओगे, ओलिमा ब्लॉक क्या है, ओलिमा ब्लॉक क्या है बताओ। ओलिमा ब्लॉक है जैसे ही एक स्पर्म का न्यूक्लियस सेकेंडरी ओसाइड के अंदर एंटर कर गया, तो पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट करने के लिए, पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपके डीपोलराइजेशन हो जाता है विटेलाइन मेम्ब्रेन का, विटेलाइन मेम्ब्रेन खुद को बिल्कुल डीपोलराइज कर लेगी, दूसरा है स्पर्म एंटर कर ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, मेल के न्यूक्लियस से कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो ZP3 रिसेप्टर्स को ही ख़त्म कर देते हैं और जोना पेरिसोडा हार्ड हो जाती है, जोना पेरिसोडा टफ हो जाती है, इसको जोना पेरिसोडा रिएक्शन भी बोलते हैं, जोना पेरिसोडा हार्डनिंग भी बोलते हैं, एंड ओलिमा ब्लॉक भी बोलते हैं। इसको जोना पेरिसोडा हार्डनिंग भी बोलते हैं, इसको जोना पेरिसोडा ब्लॉकेज भी बोलते हैं, एंड इसको ओलिमा ब्लॉक भी बोलते हैं। ओलिमा ब्लॉक आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ओलिमा ब्लॉक हमें देखने के लिए मिलता है जैसे ही मेल का न्यूक्लियस एंटर करता है फीमेल सेकेंडरी ओसाइट में। समझ आया फर्टिलाइजेशन में, अभी कुछ समझ में आया, अभी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, अभी तो मेल का न्यूक्लियस एंटर किया है, कुछ समझ में आया, एक मिनट देना मैं पानी पी लूँ, कुछ समझ में आया बताओ। हाँ जी, समझ आया, फिर से समझाऊँ, चलो ठीक है सुनो मेरी बात। ग्राफियन फॉलिकल 14th डे पे रप्चर हुआ, ठीक है रप्चर हुआ, कौन बाहर आता है, सेकेंडरी ओसाइड बाहर आता है, सेकेंडरी ओसाइड बाहर आता है। सेकेंडरी ओसाइड के बाहर क्या है, मैं सेकेंडरी ओसाइट हूँ, मुझसे थोड़ी दूर पे मेरी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, मैं सेकेंडरी ओसाइट हूँ, मेरी ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है इसको क्या बोलेंगे, विटेलाइन मेम्ब्रेन। मेरे से थोड़ा सा दूर है जोना पेरिसोडा, जोना पेरिसोडा मेरे बीच की स्पेस को क्या बोलेंगे, पेरिविटेलाइन स्पेस। मेरे बाहर है जोना पेरिसोडा, जोना पेरिसोडा के भी बाहर है कोरोना रेडियाटा। ठीक है, मैं सेकेंडरी ओसाइट हूँ, मेरा ये न्यूक्लियस है, ठीक समझा रही हूँ, ये सेकेंडरी ओसाइट है, इसका न्यूक्लियस है। अब भैया रप्चर हुआ ग्राफियन फॉलिकल, तो किसने पकड़ा इसे, फलोपियन ट्यूब्स के फिम्ब्राए ने पकड़ लिया, कहाँ लाके रख दिया, एम्पुला में रख दिया, एम्पुला में आ गया। अब बहुत सारे अब हो रहा है, सेक्स हुआ एक लड़का लड़की के बीच में और स्पर्म एंटर कर गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म्स एंटर कर गए। स्पर्म्स जब एंटर करते हैं फीमेल बॉडी में, तो फीमेल बॉडी उसे कचकच 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 मारती है,
उसके फीमेल बॉडी की फैगोसाइट्स देखती है, अरे 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 कहाँ घुसे चले आ रहे हो, मारो इन्हें, मारती है। लेकिन वो भैया 200 से 300 मिलियंस होते हैं, 200 से 300 मिलियन, इतने मार दिए, इतने मार दिए, वजाइना सिक्रीशन सब कुछ मारती है, तब वो जाके 200 बचते हैं और वो पहुँच जाते हैं किसके पास, सेकेंडरी ओसाइट के पास। ठीक है, पहले क्या प्रोसेस होती है कैपेसिटेशन की, कैपेसिटेशन की प्रोसेस क्या होती है, वजाइना को नहीं पता होता है, वजाइनल सिक्रीशन को, रिप्रोडक्टिव एरिया को नहीं पता होता है कि हम तो इन्हें जो मांझ रहे हैं, हम तो इनकी और हेल्प कर दे रहे हैं। वो पकड़ती हैं इन्हें और कहती किधर जा रहे थे, ये कहते हैं हम जा रहे हैं सेकेंडरी ओसाइट के पास, कहते हैं इधर आओ जरा धुलाई करवाओ अपनी, इनको खूब धुलती हैं, खूब धुलती हैं, खूब धुलती हैं। धुलने से क्या होता है, स्पर्म की जो मेम्ब्रेन थी, ये मान लो अब मैं स्पर्म हूँ, मेरी जो ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, इतना मैंने घिसा, इतना इसको धुला कि ये वीक पड़ गई। इस वीकनेस को क्या बोलते हैं, इस वीकनेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन, वीकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वीकेंड हो जाना, वीकनेस हो जाना, कमज़ोर हो जाना क्या कहलाता है, कैपेसिटेशन प्रोसेस कहलाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कार्बोहाइड्रेट निकाल लेती है वजाइनल सिक्रीशन या यूट्राइन सिक्रीशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से प्रोटीन्स निकाल लेती हैं यूट्राइन सिक्रीशन, और फिर कहती हैं अब जाओ, चलो जाओ, अब निकलो, अब निकलो, देखेंगे कितना पहुँचोगे। कैपेसिटेशन से क्या होता है, उल्टा काम हो जाता है, कैपेसिटेशन से इनकी मोबिलिटी और तेज़ हो जाती है, कि और छुक 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 करके दौड़ते हुए जाते हैं, और तेज़ हो जाती है इनकी स्पीड, और तेज़ हो जाती है, और कुछ 200 स्पर्म्स जो हैं जा कर के पहुँचते हैं। और ये होना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बताया पहले IVF में क्या किया गया, पहले IVF में मेल का स्पर्म और फीमेल के ओसाइट को ऐसे ही मिला रहे थे, वो फ्यूज़ ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मेल का जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं टूटी थी। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं टूटी तो एक्रोसोम कैसे फटेगा, एक्रोसोम नहीं फटेगा तो न्यूक्लियस बाहर कैसे आएगा। तो फिर जब पता चला साइंटिस्ट को, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने स्पर्म को एक सॉल्यूशन में डुबाया खूब, और जिससे क्या हुआ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो वीक हो गई, और फिर उन्होंने मेल के स्पर्म को फीमेल के ओसाइट को मिलाया और फर्टाइल हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम पड़ा कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन हुआ, कैपेसिटेशन हुआ, फिर जो है स्पर्म्स जो है वो वजाइना में, वो यूट्राइन में जा रहे हैं, तो कोई इधर भी जा रहा है, कोई उधर भी जा रहा है, उन्हें रेड लाइट तो है नहीं कि वो रुके, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो जहाँ पे अब जिस फेलोपियन ट्यूब में बैठा था ओसाइट, उसके पास पहुँच गए स्पर्म्स, ओसाइट के पास पहुँच गए स्पर्म्स। अब स्पर्म देखते हैं, अरे बाप रे, दो दो लेयर लेके बैठी है, कोरोना रेडियाटा, जोना पेलिसुडा, स्पर्म के एक्रोसोम में भरे हैं एंजाइम इस दोनों लेयर्स को भेदने के लिए। ठीक है, तो स्पर्म का एक्रोसोम फट जाता है, यहाँ पे एक्रोसोम है उसके हेड पर, अभी बनाया था हेड वाला एरिया, एक्रोसोम में एंजाइम्स भरे हैं, हाइलोरोनिडेज एंजाइम्स भरे हुए हैं, ये फट जाते हैं। और ये एंजाइम्स किसको हेल्प करते हैं भेदने में, कोरोना रेडियाटा को और जोना पेरिसोडा दोनों मेम्ब्रेन को भेदने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन को भेदने में हेल्प करते हैं। जोना पेरिसोडा कहती है, ऐसे कैसे मुझे भेदोगे, हु आर यू, तुम हु कौन। जोना पेरिसोडा इन्हें पहचानती है, कैसे पहचानती है, जोना पेरिसोडा के पास हैं ZP3 रिसेप्टर्स, वो देखती है अच्छा ह्यूमन स्पर्म आया है, जाने दो, चलो जाने दो अंदर, सेकेंडरी ओसाइट तो बैठी 24 घंटे से इसके इंतज़ार में है। ठीक है, जोना पेरिसोडा को भेदते हुए स्पर्म्स जो हैं आपके अंदर जा रहे हैं, किसके पास, सेकेंडरी ओसाइट के पास आ रहे हैं। ठीक है, जोना पेरिसोडा कोरोना रेडियाटा को स्पर्म्स ने कैसे भेदा, उनके एक्रोसोम में जो एंजाइम भरे थे वो एंजाइम सारे भेदते हुए आगे ये निकल आए। अब क्या बचा है स्पर्म के पास, कुछ भी तो नहीं बचा, केवल टेल बची है और उसके बाद जो उसका न्यूक्लियस बचा है। जैसे ही एक स्पर्म विटलाइन मेम्ब्रेन को टच करता है, विटलाइन मेम्ब्रेन किसकी है, सेकेंडरी ओसाइट हूँ मैं, मेरी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को विटलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट की आउटर मोस्ट लेयर, मतलब सेकेंडरी ओसाइट की लेयर को ही विटलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे ही एक स्पर्म ने विटलाइन मेम्ब्रेन को टच किया, तुरंत इसका न्यूक्लियस अंदर आ जाएगा। न्यूक्लियस अंदर आ गया ओवम के पास या सेकेंडरी ओसाइट के पास, अंदर आ गया, उसके साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है, तुरंत ही ये मेम्ब्रेन खुद को चारों ओर से डीपोलराइज कर लेती है, बंद कर लेती है, ताकि पॉलीस्पर्मी ना होने पाए, पॉलीस्पर्मी मतलब और स्पर्म एंटर ना करने पाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं फास्ट ब्लॉक, एकदम क्विक होता है ऐसा, फास्ट ब्लॉकेज होती है, डीपोलराइजेशन ऑफ विटलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ, विटलाइन मेम्ब्रेन
किसको बोलते हैं? सेकेंडरी ऊसाइट के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को विटलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं. आउटर मोस्ट छोड़ो, सेकेंडरी ऊसाइट के मेम्ब्रेन को विटलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं. ठीक है, ये सेकेंडरी ऊसाइट है, इसकी इस जो मेम्ब्रेन जो है ये इसको विटलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं. ठीक है, अब ये मेल का न्यूक्लियस अंदर आ गया, इसको एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस. ठीक है, मेल प्रो न्यूक्लियस कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है और जोना पेल्यूसिडा पे जो ZP3 रिसेप्टर्स होते हैं उनको ख़त्म करता है, क्योंकि भैया अभी बाहर बहुत स्पर्म पड़ा है, 199 स्पर्म पड़ा है, 200 आए थे ना, 200 में से एक ही एंटर कर पाया ना, तो 199 स्पर्म्स को वो ख़त्म करवाते हैं, कहते हैं अब जाओ भगाओ इन्हें, हम एंटर कर गए, हटाओ सब हटाओ. तो ZP3 रिसेप्टर्स ही ख़त्म हो जाते हैं. ZP3 रिसेप्टर्स ख़त्म हुए तो अब कोई पहचानेगा ही नहीं तुम्हें, काय के तुम कौन हो, हम जानते नहीं तो मैं भागूँ यहाँ से. तो इस ये पूरा ब्लॉकेज क्या कहलाता है? ओलिमा ब्लॉक कहलाता है, या जोना पेरिसुडा हार्डनिंग कहलाता है, या जोना पेरिसुडा ब्लॉकेज कहलाता है. ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया. अब क्या होगा, अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे. अब मैं ये पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ रही हूँ, नहीं चलो पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं बिगाड़ती हूँ, यहाँ पे थोड़ा साफ बना लेती हूँ. ठीक है, उसी में आप बनाना, थोड़ा साफ बना लेती हूँ मैं. देखो अब क्या होगा, अब होगा फर्टिलाइजेशन फाइनली. ये है आपके सेकेंडरी ऊसाइट का न्यूक्लियस. ठीक है, और अभी एंटर कौन करा है इसमें? मेल का न्यूक्लियस. ये मेल का न्यूक्लियस है. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मेल प्रो न्यूक्लियस. इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ऊसाइट प्रो न्यूक्लियस. ठीक है, ये उसका प्रो न्यूक्लियस है. जैसे ही मेल का प्रो न्यूक्लियस एंटर करता है या मेल का न्यूक्लियस एंटर करता है, सेकेंडरी ऊसाइट में जाओ. क्या रुका हुआ था? सेकेंडरी ऊसाइट किस में अरेस्ट था? सेकेंडरी ऊसाइट मेटाफेस टू में अरेस्ट था. मियोसिस टू की मेटाफेस टू में अरेस्ट था. तुरंत इसमें हो जाता है मियोसिस टू कंप्लीट और दो सेल बनती हैं यहाँ पर. यहाँ पर दो सेल बनेंगी बच्चों, एक ये छोटी सी सेल बनेगी. ठीक है, और एक ये छोटी सी सेल बनेगी और एक ये पूरी बड़ी सी सेल हो जाएगी. ठीक है, इस छोटी सी सेल को बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी. ठीक है, इस न्यूक्लियस से एक ये सेल अलग हो जाएगी और एक ये पूरी सेल रह जाएगी. ये बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाती है और अब जो ये स्ट्रक्चर बना है अंदर, ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है ओवम. क्या होता है? ओवम. फाइनली अब बना ओवम. ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी ऊसाइट में क्या कंप्लीट हो गया? सेकेंडरी ऊसाइट में मियोसिस टू कंप्लीट हो गया और मियोसिस टू कंप्लीट होते ही एक सेल से दो सेल बन गई. ठीक है, एक सेल से दो सेल बनी. इससे ये जो एक सेल बनी ये सेकेंड पोलर बॉडी कहलाती है और ये स्ट्रक्चर कहलाता है ओवम. और फाइनली अब मेल का जो न्यूक्लियस है और फीमेल का जो न्यूक्लियस है ये आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे. और दोनों के न्यूक्लियस आपस में जैसे ही फ्यूज़ करेंगे तो सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा, जायगॉट बन जाएगा. फर्टिलाइजेशन कंप्लीट. समझिए, कुछ अगर नहीं समझ में आया है तो बताइए. फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया. आफ्टर एंटरिंग ऑफ मेल प्रो न्यूक्लियस, जब मेल का प्रो न्यूक्लियस एंटर करता है सेकेंडरी ऊसाइड में, तभी सेकेंड पोलर बॉडी बनती है. सेकेंड पोलर बॉडी बनती है मतलब ओवम बनता है. सेकेंडरी ऊसाइड में मियोसिस टू कंप्लीट होता है. सेकेंड पोलर बॉडी तो आपको पता ही है डीजेनरेट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है. और जो आपके सेकेंडरी ऊसाइड से जो ओवम बना, वो ओवम जो है आपके उसका जो न्यूक्लियस है और जो मेल का जो न्यूक्लियस है, ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और फ्यूज़ करके आप जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपके बनता है जायगॉट. फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया. कोई समस्या है तो बताइए मुझे, क्या आपको नहीं समझ में आया हो. अगर कोई समस्या आपकी है तो पहली बात तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. ठीक है, मैं देख ही लूँगी. फिलहाल कोई होनी नहीं चाहिए समस्या आपको. ठीक है,
और जो जायगॉट बनता है ना, जो जायगॉट बनेगा इसका साइज बड़ा होता है, मतलब नॉर्मल सेल से बड़ा होता है इसका साइज। ऑब्वियसली दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं तो एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है। अब माँ के 23 क्रोमोसोम और पापा के 23 क्रोमोसोम मिल जाएंगे और जायगॉट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो साइज होता है ना वो नॉर्मल से बड़ा होता है, तो इसमें फिर सेल डिविजन होता है। सेल का समझ लो साइज छोटा होता चला जाता है, सेल का साइज थोड़ा कम होता चला जाता है, एक सेल से ही काफ़ी सारे सेल्स बनते चले जाएंगे। वो तो हम आगे पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन में, क्योंकि आज इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, आज मैं आपको केवल फर्टिलाइजेशन ही समझा पाई हूँ। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्टिलाइजेशन आपको कंप्लीट हुआ होगा, समझ में आया होगा। ये जो अंदर था अभी तक वो क्या था, सेकेंडरी ओसाइट था। सेकेंडरी ओसाइट से ओवम कब बना, ओवम बना जब मेल प्रो न्यूक्लियस एंटर करता है तभी तुरंत इसमें मियोसिस टू कंप्लीट हो जाता है और सेकंड पोलर बॉडी निकल जाती है। सेकंड पोलर बॉडी बनती है और आपके जो अब ये जो सेल बनी है, सेकंड पोलर बॉडी बाहर हो गई और ये जो सेल बनी है ये कहलाती है आपके ओवम। ये कंप्लीट सेल आपके क्या कहलाती है, ओवम कहलाती है। और इसमें क्या पड़ा हुआ है, ओवम में मेल प्रो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। सेकंड पोलर बॉडी तो डीजेनरेट हो जाएगी और मेल प्रो न्यूक्लियस और फीमेल प्रो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे और जायगॉट बन जाएगा। समझ आया कि नहीं समझ में आया, समझ आया ना। सेकेंडरी ओसाइट था ये, जनरली हमारी बुक में इसको लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ओवम। भैया ये ओवम नहीं होता है, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है और सेकेंडरी ओसाइट जो है उसमें मियोसिस टू तभी ही कंप्लीट होता है। ये देख लो, ये है सेकेंडरी ओसाइट, इसका ये न्यूक्लियस था, ठीक है, और ये मेल न्यूक्लियस था। जब मेल का प्रो न्यूक्लियस इसके अंदर एंटर किया तभी इसमें जो है आपके मियोसिस टू कंप्लीट होता है और एक ये सेल बनती है, एक ये सेल निकल आती है बाहर। इसको बोलते हैं सेकंड पोलर बॉडी, ये सेकंड पोलर बॉडी है। और फाइनली ये जो सेल बची ये बोलाती है ओवम, अब बनता है ओवम, ठीक है। और फिर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, पापा मम्मी, पापा के 23, मम्मी के 23, पापा के 23 मिलके हो जाएंगे 46। और वो जो सेल बनेगा उसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है और वो बनता है आपके जायगॉट, एक बड़ा सेल होता है जायगॉट, ठीक है। चलो, आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बात ध्यान रखिएगा, आप लोग जनरली उसको बुक्स में ओवम लिख देते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम केवल फर्टिलाइजेशन ही पढ़ पाए हैं, कैपेसिटेशन पढ़ पाए, पॉलीस्पर्मी को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आपने ये जाना, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन अगर समझ में आया हो, फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब्स में होती है, फेलोपियन ट्यूब्स के किस पार्ट में होती है, तो एम्पला में होती है, ठीक है। सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है, सेकंड पोलर बॉडी तब बनती है जब मेल का प्रो न्यूक्लियस एंटर कर जाता है। मियोटिक्स जो मियोसिस टू है सेकेंडरी ओसाइट में वो कब कंप्लीट होता है, जब मेल का प्रो न्यूक्लियस एंटर करता है। अब एक लड़की का क्वेश्चन था, तो मैम अगर स्पर्म एंटर नहीं करता है तो क्या हमारी बॉडी से सेकेंडरी ओसाइट ही बाहर आता है? जी, सेकेंडरी ओसाइट बाहर नहीं आता है, सेकेंडरी ओसाइट तो फिर डीजेनरेट हो जाता है आपकी बॉडी में और आपकी जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो शेड हो जाती है और ब्लीडिंग आपको हो जाती है। तो हर महीने आपका सेकेंडरी ओसाइट ही मरता है, ओवम नहीं मरता है, क्योंकि ओवम तो बना ही नहीं। ओवम कब बनेगा, ओवम बनेगा जब मेल का प्रो न्यूक्लियस एंटर कर जाएगा, न्यूक्लियस एंटर कर जाएगा। जैसे ही मेल का न्यूक्लियस एंटर करता है इसके अंदर सेकेंड मियोसिस टू जो है वो कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस टू कंप्लीट होता ही सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, सेकेंड पोलर बॉडी तो डीजेनरेट हो जाती है अपने आप ही और ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज करके बन जाएगा आपके जायगॉट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आई एम वेरी क्लियर और मुझे लगता है अब मैं आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी आंसर कर चुकी हूँ और आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी इम्प्लांटेशन की। बाय बाय गाइस, टेक केयर।